खबर बिहार के बेगूसराय जिला से, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। जी हां, खबर बिहार के बेगूसराय जिला से है, जहां मलसूचरक थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इनके जयंती के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। EISF मलसूचरक अंचल परिषद के कई छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें EISF अंचल मंत्री मनीष कुमार ने कहा कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहे हैं। संविधान को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जरूरत है। यदि अपने इस देश में बाबा साहब के संविधान नहीं होता तो इस देश में लोगों के पढ़ने पर पैसा खर्च नहीं होता और कोई भी छात्र अपनी शिक्षा पाने के लिए किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान के भीतर एक ही बेंच पर बैठकर एक साथ दलित और ब्राह्मण का बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए आज के समय में छात्र और युवा वर्ग को संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए गए रास्ते जो है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसको अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए बछवाड़ा से अमित कुमार सहनी की रिपोर्ट। हमारे पूरे देश के साथ साथ अगर बिहार की स्थिति की बात करेंगे तो हम उनको जानेंगे और इनके कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो दौर चल रहा है, हमारी दौर किस ओर जा रही है। मेरी एक छोटी सी कविता है जो देश के नवयुवकों के प्रति है कि जागो भारत के रखवाले। चिश्ती का संदेश कहाँ है, नानक का उपदेश कहाँ, कहाँ बुद्ध की सत्य अहिंसा, बापू का भारत देश कहाँ। अमर शहीदों का था सपना, अमर शहीदों का था सपना, ऐसा होगा भारत अपना, ऊंच नीच का भेद न होगा, नफरत की नहीं होगी कल्पना। हर हाथों को काम मिलेगा, श्रम का वाजिब दाम मिलेगा, भूख अशिक्षा बेरोजगारी का कहीं न नाम निशान मिलेगा। लेकिन रही अधूरी उनकी आशा, बहुजन रोता भूखा प्यासा, बिलख रहे नंगे भीख मंगे, फैली चारों ओर निराशा। भारत के युवकों जाग उठो, निद्रा भय आलस त्याग उठो, सपने साकार बनाने को कर सिंहनाद ललकार उठो। है बोझ तुम्हारे कंधों पर, तुम भारत माँ के रखवारे हो।